अखिलेश यादव ने 50% वोट वाले प्लान पर काम शुरू कर दिया है। इस प्लान से बीजेपी का वोट छिटक जाएगा और मायावती की जमीन खिसक जाएगी। बाबा साहेब के बाद अब कांशीराम को भी अखिलेश प्रणाम करेंगे। रायबरेली से अखिलेश दलित ओबीसी एकता की नई शुरुआत करेंगे। कांशीराम के शिष्य अखिलेश यादव के मिशन की कमान संभालेंगे। अब बीजेपी को अंबेडकर, लोहिया और कांशीराम के विचार हराएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का एक ही लक्ष्य है, किसी भी तरह से बीजेपी को यूपी में हराया जाए। इसके लिए अखिलेश रोज नए प्लान तैयार कर रहे हैं, जिसका एकमात्र मकसद है बीजेपी विरोधी मतों को जोड़कर सपा के पाले में लाना, जिससे बीजेपी को यूपी में हराया जा सके। लोहिया को अपना आदर्श मानने वाली समाजवादी पार्टी अंबेडकर नगर के साथ साथ कांशीराम के नक्शे कदम पर चलने की तैयारी में जुट गई है, ताकि समाजवादी पार्टी अपने यादव मुस्लिम वोट बैंक के साथ साथ बसपा के दलित मतदाताओं को भी अपने साथ जोड़ सके। इसी कड़ी में अखिलेश यादव मायावती की सियासत की सबसे बड़ी ताकत रहे कांशीराम को भी अपनाने में जुट गए हैं। सपा प्रमुख 3 अप्रैल को रायबरेली के दीन शाह गौरा ब्लॉक में स्थित कांशीराम महाविद्यालय में बसपा के संस्थापक कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, जहां अखिलेश यादव कांशीराम की मूर्ति अनावरण के साथ साथ बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पूरे कार्यक्रम का आयोजन स्वामी प्रसाद मौर्य के हाथों में है। इस कार्यक्रम को लेकर सपाइयों में जबरदस्त उत्साह है। आपको बता दें कि दलित समुदाय के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सियासी परिकल्पना को लेकर ही कांशीराम ने बसपा का गठन किया था और दलितों के बीच राजनीतिक चेतना जगाई। अखिलेश यादव ने लोहिया के साथ साथ अंबेडकर की सियासत को पहले से ही अपना लिया है। अब कांशीराम के नक्शे कदम पर चलने जा रहे हैं। संदेश साफ है कि किसी भी तरह दलित वोटों को बिखराव ना हो पाए, इसके लिए सपा ने बाबा साहेब वाहिनी का गठन करके अंबेडकर वादी सियासत पर पूरी पकड़ बना ली है। सपा में इसकी झलक साफ देखी जा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य, इंद्रजीत सरोज, रामचल राजभर, आर के चौधरी, लालजी वर्मा, त्रिभुवन दत्त, डॉक्टर महेश वर्मा जैसे पुराने बसपाई पहले से ही अखिलेश के साथ आ गए हैं। जिन नेताओं ने राजनीति का हुनर कांशीराम से सीखा, उन पर अखिलेश यादव की खास नजर है। साथ ही बसपा के दलित मतदाताओं को अखिलेश अपने साथ लेने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि मायावती डॉक्टर अंबेडकर और कांशीराम की विचारधारा से पूरी तरह भटक चुकी हैं। ऐसे में अखिलेश यादव अब लोहिया के साथ अंबेडकर कांशीराम की विचारधारा के लिए चलना चाहते हैं, क्योंकि वक्त की जरूरत भी यही है। अंबेडकर कांशीराम की राह पर चलकर बीजेपी से मुकाबला किया जा सकता है, क्योंकि दलित और पिछड़ों का हक माना जा रहा है। कांशीराम के बहाने अखिलेश यादव की कोशिश दलित समाज के साथ भावनात्मक रिश्ता कायम करने की है। वो दलित समाज को संदेश देने की कोशिश में है कि सपा भी कांशीराम का सम्मान और सियासी अहमियत देने में किसी तरह से पीछे नहीं है। इस तरह वो मायावती को अलग रखकर बसपा के महापुरुष और नेताओं के जरिए दलित समाज से अपना रिश्ता कायम रखना चाहते हैं। मायावती की सियासत के बैकबोन कांशीराम ही रहे हैं, जिन्होंने गांव-गांव घूमकर दलित राजनीति खड़ी की है। ऐसे में कांशीराम को लेकर दलितों के बीच आज भी उसी तरह का सम्मान है, जिसके जरिए अखिलेश दलितों के विश्वास जीतने की कोशिश में है। 2012 के बाद से बसपा का सियासी ग्राफ लगातार गिरा है। ऐसे में सपा की कोशिश बसपा के दलित और अति पिछड़ों को अपने पाले में लाने की है। अखिलेश लगातार मायावती और बसपा को बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाते हैं। इस के चलते 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा को तगड़ा झटका लगा था। मुस्लिम वोट बैंक का पूरा वोट सपा में चला गया। बसपा का कोर वोट बैंक दलित समुदाय का वोट भी सपा को पहले से मिला। मैनपुरी और खतौली के उपचुनाव में जिस तरह से दलित मतदाताओं का झुकाव सपा की तरफ हुआ है, उससे अखिलेश यादव के हौसले काफी बुलंद दिख रहे हैं। अखिलेश यादव कांशीराम और डॉक्टर अंबेडकर के सहारे बसपा के सियासी आधार को पूरी तरह से अपने साथ जोड़ने की रणनीति कर रहे हैं। यूपी की राजनीति में अखिलेश अपने सियासी वोटों का आधार 32% से बढ़ाकर 40% के करीब ले जाने के लिए हर संभव कोशिश में जुटे हैं। अखिलेश यादव की नजर बसपा के वोट बैंक पर है, जिसे साधने की कवायद 2019 के चुनाव के बाद से वो कर रहे हैं। इसी कड़ी में 2022 के चुनावों में कुछ हद तक सफलता भी मिली थी। सपा के विधायकों की संख्या 47 से बढ़कर 111 पर तो पहुंची, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए इतना ही काफी नहीं है। ऐसे में बसपा के बचे हुए दलित वोट बैंक और बीजेपी के साथ गए अति पिछड़े समुदाय के वोटों को सपा अपने साथ जोड़ने की रणनीति में जुट गई है। दलितों के साथ सामाजिक समीकरण बनाने की सपा ने कोशिश की है, साथ ही दलित पिछड़ा वर्ग मुस्लिम को गोलबंद करने की कोशिश है। इस तरह सपा बीजेपी के मुकाबले 50% से मजबूत आधार वोट बैंक तैयार करना चाहती है, जिसके दम पर वो बीजेपी को मात दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ लॉन्चर।